मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आप लोग अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए और ग्रामर की बुक निकालिए, पेज नंबर 115। आज हम लोग पेज नंबर 115 से शुरू करेंगे, तो ध्यान देंगे सारे बच्चे। मैच द इंटरजेक्शंस विद द सेंटेंसेस करेक्टली। इसमें क्वेश्चन नंबर ए हम लोगों ने कल बनाया था, आज क्वेश्चन नंबर बी से पेज नंबर 115। मैच द इंटरजेक्शंस विद द सेंटेंसेस करेक्टली। ये जो इंटरजेक्शंस दिए गए हैं इसको करेक्ट सेंटेंस से मिलाना है। नंबर द बॉक्सेस, बॉक्सेस में नंबर डालें। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और पहला आपको करके बताया गया है। ब्रावो, हाउ वेल यू हैव प्लेड, वाह शाबाश, कितना अच्छा तुमने खेला है, तो ये पहला का हो गया। थैंक्स, आई अप्रिशिएट योर हेल्प। ध्यान दीजिए और इसको कॉपी करते जाइए। बी का वन, ब्रावो, हाउ वेल यू हैव प्लेड। दूसरा थैंक्स, आई अप्रिशिएट योर हेल्प। Thanks, I appreciate your help. Next. Goodbye, I will see you tomorrow. Yes, quit his job. Next. Yeah. We have a holiday tomorrow. Yeah. Kal hamari chutti hai. Thank you.
We have a holiday tomorrow. Ooh, I scared you. तो इस तरीके से इसको मार्क करेंगे, ठीक है, इसको बनाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद इंटरजेक्शंस फ्रॉम द बॉक्स वन हैज बीन डन फॉर यू. बॉक्स में जो इंटरजेक्शंस दिए गए हैं इसी से ब्लैंक्स को भरना है, और पहला आप लोगों के लिए करके बताया गया है. ओह, आई डिडंट सी यू कमिंग. अरे, मैंने तुम्हें आते नहीं देखा. डैश, सार्थक इज बैडली हर्ट. आउच. डैश, आउच, सार्थक इज हर्ट बैडली हर्ट. बेचारे सार्थक बुरी तरह से चोटिल हो गया है. सी कट टू, आउच. Next three. Dash, you have stepped on my foot. Dash, it was he who stole my notebook. अलास, सॉरी, इसमें अलास हो जाएगा. अलास, यू हैव स्टेप्ड ऑन माय फुट. Oops, it was he who stole my notebook. Five. Dash, that's a lovely dress you are wearing. Wow. Next. Dash, I've split your coffee. Aha. Thank you.
इसमें आहा और इसमें गुड्स, ठीक है। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर आता है पंक्चुएशन, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझिएगा। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन इज द यूज ऑफ मार्क्स इन ऑर्डर टू राइट इन अ क्लियर स्टाइल, यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स को जो चिन्ह होते हैं उनका सही तरीके से यूज किया जाता है ताकि इन्हें लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इट हेल्प्स द रीडर टू कॉम्प्रीहेंड विच वर्ड्स आर ग्रुप्ड एंड वेयर टू पॉज, यह रीडर को बताता है या समझने में मदद करता है कि कौन से वर्ड्स को ग्रुप किया गया है या किसे अलग रखा गया है, सेपरेट किया गया है, कहाँ पर एक शॉर्ट पॉज देना है, कहाँ पर लॉन्ग पॉज देना है। दीज थिंग्स टेल अस अबाउट, लेट स्टडी दिस टेबल ऑन सम कॉमनली यूज पंक्चुएशन मार्क्स, कुछ कॉमनली जो हम यूज करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स को आइए इस टेबल में पढ़ें। सबसे पहला है कैपिटल लेटर पंक्चुएशन मार्क में, यूसेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कैपिटल लेटर का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के शुरू में। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द स्टार्स ट्विंकल्ड ब्राइटली, ठीक है, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, दे आर प्लेयर्स, ठीक है। इन सभी सेंटेंसेस में जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, और कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कर सकते हैं। दूसरा है टू बिगिन अ प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, मिडिल में हो या फिर लास्ट में, इट डज नॉट मैटर। सुरेश, ब्रूनो, टाउन स्ट्रीट, हैदराबाद, ताजमहल, गंगा, यमुना, एशिया, अफ्रीका, यूएसए, इंडिया, ये सभी प्रॉपर नाउन हैं, और जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे उनका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा। नेक्स्ट, टू राइट द प्रोनाउन आई, तीसरा है कैपिटल लेटर लिखने का रूल कि आई जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही यूज किया जाता है, बिकॉज इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, द पर्सन हु इज स्पीकिंग समथिंग, यानी कि वह व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है, तो आई जो है हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। तो ये तीन सिचुएशंस में कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, मैंने अभी भी बताया है। पहला है सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर, दूसरा किसी भी प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा वो भी कैपिटल होना चाहिए, एंड द थर्ड रूल इज प्रोनाउन आई, ठीक है। आई एम 9 years old, ठीक है, इसमें दिया गया है। आई एम अ टीचर, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यूज आता है फुल स्टॉप का, फुल स्टॉप का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं ध्यान देंगे। फुल स्टॉप इज यूज एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव और एन असर्टिव सेंटेंस, मीन्स अ स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट, किसी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंत में या किसी भी स्टेटमेंट के अंत में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। द ट्री वॉज फुल ऑफ राइप मैंगोज, पके हुए आम से पेड़ भरा था। तो आप देख रहे हैं लास्ट में
फुल स्टॉप लगाया गया है बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट यूज एट द एंड ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसके अंत में भी फुल स्टॉप का ही यूज होगा. वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो. कम इन, गो देयर, सिट देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेक अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी. ठीक है, इस तरह से ये जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेस जो मैंने अभी बताए हैं इन सभी के अंत में फुल स्टॉप यूज होगा. तीसरा है क्वेश्चन मार्क्स. क्वेश्चन मार्क का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं. यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन. किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए. डिड साक्षी रीच ऑन टाइम, क्या साक्षी समय पर पहुंची. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क यूज एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग और अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में होता है जो कि किसी सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशन को व्यक्त करता है. व्हाट अ लवली ड्रेस, वाह कितना सुंदर ड्रेस है. What a lovely shot! Wow! What a beautiful building! Next is apostrophe. Apostrophe लगा करके जो s का use किया जाता है, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि apostrophe का use क्यों किया जाता है और किस लिए. To show possession. Possession means मतलब अधिकार. ठीक है, अधिकार, किसी चीज का मालिक होना. टू पजेस समथिंग, तो किसी चीज पर मालिकियत हक या किसी चीज का मालिक होना. ठीक है, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो ये चीज दिखाता है. शीनाज रूम वॉज पेंटेड यस्टरडे. शीना का कमरा, शीना के कमरे में कल पेंट किया गया. यहाँ देख रहे हैं शीनाज, ए के बाद जो एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया गया है. ठीक है, शीनाज रूम, शीनाज रूम वॉज पेंटेड यस्टरडे. शीना के कमरे को कल पेंट किया गया. ही इज स्टडीइंग नाउ, वह अभी अध्ययन कर रहा है. कॉमा, उसके बाद एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी के बाद आता है कॉमा. टू सेपरेट आइटम्स और नेम्स इन अ लिस्ट, किसी भी लिस्ट में आइटम को अलग अलग करने के लिए, ठीक है, हम कॉमा का यूज करते हैं. नो कॉमा इज यूज बिफोर द लास्ट आइटम और नेम, यूज एंड इंस्टेड. इसमें ये भी रूल है कि लास्ट वाला जो वर्ड होगा उस लिस्ट में उससे पहले आपको कॉमा का यूज नहीं करना है बल्कि एंड का यूज कीजिए. एंड डैश. द एग्जांपल, द बॉयज इन आवर लोकेलिटी लाइक टू प्ले फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. हमारे गांव के लड़के फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और एंड लगा हुआ है लास्ट से, देख लें.
हमारे गांव के लड़के फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो ये है कॉमा का यूज़, ठीक है। उसके बाद आता है टू सेपरेट अ नेम दैट इज एड्रेस्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी सेंटेंस से अलग करने के लिए भी हम इनका यूज़, कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर यू रीडिंग दीपिका, तुम क्या पढ़ रही हो दीपिका, देख रहे हैं कॉमा दे दिया हुआ, यानी कि नाम को अलग कर रहा है उस सेंटेंस से। नेक्स्ट इज टू सेपरेट वर्ड्स सच एज यस, नो, वेल एंड ओ इन अ सेंटेंस। कॉमा का यूज हम यस के बाद, नो के बाद, वेल के बाद या ओ किसी भी सेंटेंस में यूज किया जाता है ये वर्ड्स, तो इनके बाद कॉमा का यूज करते हैं और तब जाकर के हम एक नया सेंटेंस लिखते हैं। ओ आई डिडंट सी यू कम इन, अरे मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैंने तुम्हें अंदर आते नहीं देखा। तो प्यारे बच्चों, यह था पंक्चुएशन के बारे में। तो आज हम लोग बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा लेसन 29 पंक्चुएशन के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा और इसमें अब दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कल हम लोग एक्सरसाइज पूरा करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आप लोग घर पर बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे विल सी यू टुमारो अगेन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।